जय गुरु। 1 जून 1948, 18 ज्येष्ठ मंगलवार, 1355। शिशि ठाकुर सकाळे बड़ाल बंगलार प्रांगण में आंब गछ तले इजी चेयर बसी सरोजिनी माँ एवं जड़े दुज पाखे अच्छा जड़े मृतवत्सा कन्या सुकतुरा जननी कांदी कांदी तांकर शिशु कन्यार मृत्यु संवाद ज्ञापन कर शिशि ठाकुर को जिज्ञासा कले बाबा मु कौन मोर माँ को फेरी पाइबी। शिशि ठाकुर ताकु निर्देश और भरोसा दे कहले इष्ट प्राण हो सदाचार हो चलिया को हेब कहारी सहित असद्भाव जपरी न हुए असन नाम सना जहा ताहा हाथ खाइबू ना जमीती सेमती चलबू ना पवित्र आत्मार एसबु बरदास्त हुए ना आतुस्नान दिन ओदा लुगारे ओदा बाड़ मुकुला करी चारणा ओजनर अश्वगंधार चेर लंका बटा हो ना शील चंदन पेड़ी हेले चलिबो कंचा क्षीर संगे निज हाथ में बाटी इष्टनाम करी भक्ति भरे निवेदन करी खाइबु केही जेपरी न छुंती खूब सदाचार रे खाइबा को हेबो नचेत सुफल फलिबो नाही निष्ठा सहकारे ठीक रूपे जदि करी पारु तु माँ होई मध्य सुखी हेबु आ तोर स्वामी बाप होई मध्य सुखी हेबो तोर स्वामी रे जदि सही हुए ते प्रतिदिन सकाळे इष्टभूति कलापर टिके अश्वगंधा चूर्ण सह किछिटा क्षीर खाइबा को हेबो गोटे देवता को आह्वान करने को हेले माँ बापा को निजर शरीर मन से भाव प्रस्तुत करने को हेब उपयुक्त स्थान न पाइले सुधात्मार आगमन हुए ना चैतन्य देवं और रामकृष्ण देवं पुत्र संतान रूपे पाइबा आगु से बापा माँ को केते साधना करने को होता ए क्षेत्र में माँ दायित्व बेसी स्वामी को देवतुल्य भक्ति करू ताले ही देवतार पी सतान पाइबु देवदेवी पूजार तात्पर्य कौन देवदेवी मैंने वास्तविक कौन अच्छा पुणी महानिर्वाण तंत्र अच्छी साधा कानम हितार्थय ब्रह्मणे रूप कल्पनम ता कौन शिशि ठाकुर कहते ब्रह्मर रूप पुणी कल्पना करिया को हेब कहीं अंततः जो गुड़िक आमाने आमानक इंद्र ज्ञान दे ठावरे पाऊ सेगुड़क सब ही तो ब्रह्मर ही रूप ताजे केते रकमर केते धरणर केते भावर तार आउ इयता नहीं सेई साला साप भी ब्रह्मर रूप बाघ भी ब्रह्मर रूप गंडा भी ब्रह्मर रूप आमानक पूर्वपुरुष मानक प्रत्येक ऋषि माने प्रत्येक सीजार नेपोलियन अलेक्जेंडर जो मानक कथा शुणी प्रत्येक जा किछि प्रत्येक मनीषटी मनीष भितरे प्रत्येक बड़ बड़ जो मैंने राजा को आर्य मैंने नारायण का प्रतीक बोली मानि थांती एसबू ही तो ब्रह्मर रूप तेब जो जो स्थल मनीषर अस्थि और वृद्धि अनुकूल सेवा सहानुभूति और साहचर्यर सहित करवा और जानवर प्राबल्य जोठारे जे बा जीए सेवा सहानुभूति और साहचर्यर करवा और जानवर भितर दे जिते बेसी प्रत्येक जीवन और वृद्धि उद्दीपना संचार कै से स्वार्थ केन्द्र हो पड़ती आर्य मानक ब्रह्मर प्रकट बा प्रकाश सेठारे बेसी मन करें जो मैंने प्रत्येक अंतर कथा जानवर आलोक संचरण प्रत्येक अंतर में दीप्त हो गोटे उद्बोधनशील चेतन जागरूक था आर्य मैंने देवता आख्या देखते सीए ही देवता जीए यह भाव जीवर अंतर में दीप्ति पाई आर्य मानक भितर जो प्रतिमा पूजार विधि अच्छी से विधि कारण ही हूँ यह जो देवता जीवंत शरीर हो मनीष सम्मुखें एवं बाबे आउ प्रतिभात नुंती से मानकर यह गोटे प्रतीक या धारणा बा मनरे प्राण प्रतिष्ठा करी स्तव पूजार भितर दे श्रद्धा बनत हृदय सेगुड़ी को स्मरण रे आनी मनीषर जीवन और बुद्धि को उद्दीप्त और जल जल करी तोली कर्मर भितर दे स्वभाव जीवन रे सीधा करी तोलिबा यह हूँ आर्य मानकर प्रतिमा पूजार उद्देश्य। जय गुरु।